हेलो एवरीवन आप सभी को वेलकमारे प्लेटफॉर्म एल नेट पर और आज मेरे पास है फिजिक्स चैप्टर थ्री का एक, एक और क्वेश्चन जो कि सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आज मेरे पास क्वेश्चन है द रजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज हंड्रेड ओम्स एट टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है आगे कहा गया है कि अगर टेम्परेचर कोफिशेंट उसका है जीरो पर डिग्री सेल्सियस देन इट रजिस्टेंस विल बिकम टू हंड्रेड ओम आई टेम्परेचर ऑफ़ दिस एंड दिस ठीक है क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि हमें यहाँ पे पहले दिए गए हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस और हमको दिए यहाँ पे फाइनल रजिस्टेंस और हमको कहा गया है कि जो टेम्परेचर है वो है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब पूछ रहे हैं कि मैं टेम्परेचर क्या रखूँ कि मेरे को ये इतनी डिस्टेंस अचीव हो जाए ठीक है थीके? मतलब ये एक तरीके से फॉर्मूला इसमें लगेगा हमारे पास आर टी माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल इन्टू अल्फा डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे फाइनल फाइनल डिस्टेंस भी है इनिशियल भी है और ये अल्फ़ा भी है हमें डिटरमेंड करना है फाइनल टेम्परेचर यानी कि डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टाइम्स इनिशियल इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इनिशियल इंटू अल्फ़ा ये क्या है डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इन की फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल इनटू अल्फ़ा प्लस इनिशियल टेम्परेचर अब इसको सॉल्व करना है अपने पास फाइनल 200 सौ इनिशियल है मेरे पास सो डिफरेंस क्या आ गया 100 डिवाइड बाय 100 टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री प्लस कितना करना है हमने इसमें 100 डिग्री सेल्सियस इसको अगर हम सॉल्व कर लें और ये क्या आ गया मेरे पास टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू थाउजेंड अपॉन फाइव प्लस हंड्रेड ठीक है ये क्या हो गया फाइव टू थाउजेंड टेन ये आ गया मेरे पास टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ऑप्शन कौन सा हो गया फर्स्ट ठीक है ये था इस क्वेश्चन का सल्यूशन आई होप कि आपको मेरा इस पसंद आया होगा ऐसे क्वेश्चन मेरे चैनल पर भी है आप जाकर सॉल्व कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी वीडियोज़ के लिए थैंक यू